अफगान सुरक्षा बलों और तालिबानी आतंकियों के बीच जंग लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में देश भर में सुरक्षा बलों की ओर से किए गए कई हमलों में कम से कम 100 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि 90 अन्य घायल हो गए हैं। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अफगान बलों ने हेरात प्रांत में हेरात शहर और पड़ोसी जिलों गुजरा, कारुक और सियावोशन पर आतंकवादी समूह के हमलों का करारा जवाब दिया है, जिसमें 52 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं जबकि 47 घायल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक अफगान वायुसेना के A-29 लड़ाकू विमानों ने भी सुरक्षा बलों के समर्थन में कई हमले किए। हेरात के घोरियन जिले में किए गए हवाई हमलों में 13 तालिबान समेत 22 अन्य आतंकी मारे गए हैं। यही नहीं, सुरक्षा बलों की छापेमार कार्रवाई में हथियारों और गोला बारूद के साथ 7 वाहन भी नष्ट हुए हैं। सेना की 215वीं माईवंड कोर की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हेलमंद में प्रांतीय राजधानी लश्कर गाह के बाहरी इलाके में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। हवाई हमले के दौरान कई तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। कंधार प्रांत के जहरी जिले में तालिबान के एक समूह को लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया, जिसमें 36 आतंकी मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ कई अफगान प्रांतों में हाल के महीनों में भी भारी लड़ाई देखने को मिल रही है। आतंकी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान में वापसी के लिए सरकार के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी है। आपको बता दें कि तालिबान के खात्मे के लिए शुरू हुए इस जंग में अमेरिका ने 20 सालों के दौरान $2 ट्रिलियन यानी लगभग $2 लाख करोड़ खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, इस जंग में अमेरिका के 2400 और नाटो देशों के लगभग 700 सैनिकों की जान गई है। वहीं अफगानिस्तान की सेना के 60,000 जवान और 40,000 नागरिकों को भी जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन फिर भी नतीजा ढाक के 3 पाथ ही है। तालिबान ने अफगानिस्तान में वापस पैर जमाना शुरू कर दिया है। बहरहाल, हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9।